हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी इमेज पर, मतलब इस तरह की इमेज पर जो कि बहुत अच्छी लाइटिंग आप देख रहे हैं कि सनरेज जो आता रहता है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले तो इस इमेज पर काम करेंगे, तो हम इसे फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैं करूँगा क्योंकि ये बहुत गंदा सा लग रहा है। तो इसके लिए मैं पहले कर्व लूँगा और यहाँ से थोड़ा सा लाइट का एडजस्ट कर दूँगा। तो पहले से हम अभी लाइट को एडजस्ट कर नहीं रहे, लेकिन पहले से थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं यह कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्लैट इन दोनों लेयर को मर्ज कर देते हैं। तो ये हो गया ये लेयर मर्ज। अब इसके बाद जाना है हमें सेलेक्ट पे, और यहाँ पे जाना है हमें कलर रेंज। यहाँ से देखिए, आप इस ड्रॉप डाउन मेनू से हाईलाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे, और ये होगा हमारा सिलेक्शन। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ पे सॉलिड कलर लेंगे, और आप यहाँ पे वाइट कलर लें। अगर आप सन रेज की कलर चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा येलो टोन आप ले सकते हैं, थोड़ा सा येलो स्टोन हम लेके देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐसे कलर पे थोड़ा सा रेडिश और आ जाए, थोड़ा सा ऐसे कलर हम लेते हैं और यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। तो देखिए ये कलर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको हम कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये कलर जो है ये एक अलग लेयर पर है, तो हम इसको इस लेयर पर रहते हुए हम जाएंगे फिल्टर पर और यहाँ पे ब्लर, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आप रेडियल ब्लर। अब रेडियल ब्लर पे देखिए, आपके पास पहले तो कुछ ऐसा आ सकता है उल्टा पुल्टा, तो आपको क्या करना है, अमाउंट को आपको 100% करना है और जूम पर कर देना है और यहाँ पर बेस्ट। और अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लर का सेंटर है, मतलब ऐसे जैसे आपको दिख रहा है चारों तरफ ऐसे ही दिखेगा, तो आपको इसको फिक्स करना है। तो आप इमेज को देखकर आप कहाँ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको फिक्स कर लीजिए। तो मैं कुछ ऐसी जगह पर रखूँगा, तो मैं इधर इस जगह पर रख रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा राइट पर रख सकते हैं हम, तो यहाँ से हम अब ओके प्रेस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है लाइट जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए हमने थोड़ा येलो टोन लिया था, अगर आप इस टोन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लाइट को चेंज भी कर सकते हैं, आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे रेड भी पूरा आप रेड दे सकते हैं। रेड देने के बाद आप जब जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल सेव करेंगे, तो ये देखिए सेव हो रहा है, और सेव होने के बाद जो है ऑटोमेटिकली आपके पास चेंजेस आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो सेव होने के बाद आप इस पर जाएंगे, तो देखिए ये लाइट जो अपने आप लाल हो चुकी है, तो हमें रेड नहीं चाहिए। हम यहाँ पे फिर से कंट्रोल जेड से बैक पर जाएंगे और यहाँ पे देखिए अब भी लाल है, लेकिन आपका यहाँ पे जब अब इस वाले फाइल पर आकर जब जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो इस तरफ भी चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सेव होने में टाइम लेगा। तो अब सेव होने के बाद अब वापस इस पर लेयर पर जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे वो आ चुका है। देखिए पहले तो ऐसा था और अब ऐसा है आ रहा है। तो ऐसे आप किसी भी इमेज पर ऐसे लाइट के रेस को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।